अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर 25th लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 9th, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 59। आवर चैप्टर नेम इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एंड आवर टॉपिक नेम इज व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। क्लास 9th, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा चैप्टर नंबर 4 से, जो आज हमने स्टार्ट किया है, जो हमारे पास टाइटल है जिसका गिवन है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहले आपको इसके टाइटल से अंदाज़ा होगा कि इसमें आज हमने क्या स्टडी करने हैं, स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है। किसके स्ट्रक्चर्स को? मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में आपने स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको डिस्कस करना है वन बाय वन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, कि एटम्स जो हैं वो क्यों फॉर्मेशन करते हैं केमिकल बॉन्ड्स की। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना कि एटम जो है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है एटसेट्रा। तो हमने ये स्टडी करना है सबसे पहले कि उन्हें क्यों ज़रूरत होती है कि वो फॉर्मेशन करें केमिकल बॉन्ड की। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, यूनिवर्सल रूल भी कह सकते हैं, कि कोई भी चीज़ जो है ना इस दुनिया में प्रेजेंट है, लाइक हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं कि हम बहुत अच्छा सा पढ़ें। ठीक है, ज़्यादा सा पढ़ें, हम क्या करें, पढ़ने के बाद अच्छी पोस्ट पे जाएं, अच्छा सा घर हो हमारा, ठीक है, हमारी फैमिली अच्छी हो, हमारा उठना बैठना, ठीक है, इवन हमारे जो ड्रेसेस हैं वो भी बहुत यूनिक होने चाहिए। ठीक है, खुद को क्या करना, परफेक्ट शो करना। हम ह्यूमन बीइंग्स, एज अ ह्यूमन अगर हम देखें तो हम क्या कहते हैं कि हम परफेक्ट हों। ठीक है, हम स्टेबल हों इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, हम खुद को स्टेबल शो भी करवाएं और हम इनर सेटिस्फेक्शन के लिए, उसके लिए क्या करें, हम कोशिश भी करें। ठीक है, हम ट्राई भी करते हैं, स्टिल हम एज अ स्टूडेंट भी सीरियस होके स्टडीज़ को लें तो हम क्यों लेते हैं, कि हम अपना फ्यूचर जो है उसको स्टेबल कर सकें। ठीक है, अपना फ्यूचर जो है उसको सिक्योर कर सकें, इस वजह से हम क्या करते हैं, हम स्टडीज़ करते हैं, हम उसमें अच्छी पोजीशंस लेते हैं, हम जॉब्स करते हैं और ख़ुद को और अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, यही हमारा गोल होता है, नॉलेज लेना, हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सेम लाइक अगर हम एटम्स की बात करते हैं तो एटम्स जो हैं ये क्यों केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, क्यों इनके लिए ज़रूरी होता है, ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी। ये खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। एटम्स जो हैं अपने वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको कंप्लीट करके खुद को स्टेबल करने के लिए केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इज इट क्लियर? यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन हो स्टूडेंट्स, आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम की, सोडियम जो है, सोडियम के आउटर शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको डोनेट कर देगा किसी ऐसे को जिसके अंदर 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक जो है उसकी डेफिशिएंसी होगी, तो क्या होगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा और जिसको ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो भी स्टेबल हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन बना लेंगे। लाइक सोडियम है तो इसके साथ हम क्लोरीन को ऐड करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, और इनके दरमियान में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई होती है वो होती है म्यूचुअल शेयरिंग के साथ, और उस बॉन्ड का नेम क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उसमें कौन से रूल्स प्रेजेंट हैं, मींस कि क्या ऐसे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग जो एटम्स हैं वो अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास टू डिफरेंट रूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, पहला रूल क्या है हमारे पास, ऐसे एटम्स
जो के अपने आउटर मोस्ट शेल में, अपने वैलेंस शेल के अंदर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको क्या करते हैं, ऑब्टेन कह लें, मीन्स के एक उसके पास पहले था, एक उसने जिसके साथ शेयरिंग की है वहाँ से उसने म्यूचुअल शेयरिंग के साथ ऑब्टेन कर लिया है, तो उसके अंदर क्या होंगे, उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इट मीन्स वो फर्स्ट रूल जो है उसको ओबे कर रहा है, फर्स्ट रूल उस पर अप्लाई होता है जो कि क्या है, डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल जो है ऐसा रूल है जिसके अंदर जो एटम्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी। अटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट, ठीक है। दूसरा रूल है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 8 इन देयर वैलेंस शेल। अगर तो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वैलेंस शेल के अंदर, तो वो किस चीज़ को अटेन कर रहा है, ऑक्टेट रूल को, ठीक है। डुप्लेट रूल हमारे पास किस किस में आ रहा है, हाइड्रोजन के अंदर आ रहा है और हीलियम के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स हों तो हमारे पास क्या कंप्लीट हो रहा है, वैलेंस शेल कंप्लीट हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। अब हमारे पास जो नोबल गैसेस होती हैं डू हैव 2 or 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स, इट मीन्स ऑल द नोबल गैसेज हैव देयर वैलेंस शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड। अगर हम नोबल गैसेज की बात करें, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर के अंदर, नोबल गैसेज जो हैं वो क्या होती हैं, वो स्टेबल होती हैं। इट मीन्स कि उनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 or 8 हों, वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं। लाइक हमारे पास एग्जाम्पल है हीलियम की, ठीक है, हीलियम है हमारे पास, तो अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसे ज़रूरत नहीं है ना तो गेन करने की ना लूज करने की, तो ये क्या करेगा, ये ऑलरेडी स्टेबल है, इसका आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी कंप्लीट है, दे आर नॉट रिएक्टिव, ठीक है। देयर एटम्स डू नॉट हैव वैकेंट स्पेस इन देयर वैलेंस शेल टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर स्पेस ही नहीं है कि वो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सके, इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है, ये स्टेबल है, ये नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंस ऑफ जो होती है नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वो लाई करती है इन द फैक्ट दैट ऑल अदर एटम्स ट्राई देयर बेस्ट टू हैव द नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इस पर्पस के लिए जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसको बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। इसमें स्टूडेंट्स, एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल इन 3 ways। 3 ways होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अकोमोडेट कर सकते हैं वैलेंस शेल के अंदर, बाय लूजिंग, बाय गेनिंग एंड बाय शेयरिंग। By giving valence shell electrons if they are less than 3 atoms। ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि डुप्लेट कंप्लीट करना हो, डुप्लेट रूल कंप्लीट करना हो या ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना हो, तो इसके अंदर 3 rules होते हैं। By losing आप अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लें, By gaining आप इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें, By sharing शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। लाइक हमारे पास हाइड्रोजन है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे ऐसे एटम को ढूंढेगा जिसको 1 की ज़रूरत होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो H अगर H के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, तो उसकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, H2, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 3 rules की तरफ, जिससे जो एटम है वो अकोमोडेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, वो है हमारे पास ये 3 rules हैं हमारे पास। एक पहला जो है वो हमारे पास है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब करेगा एटम, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब करेगा जब एटम जो है उसके अंदर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर उसके अंदर 3 से कम इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो क्या करेगा, लूज कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को,
और बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा किसी ऐसे के साथ जिसके अंदर 3 की डेफिशिएंसी होगी, 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब 5 होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मोर देन 5 होंगे, मीन्स 6 होंगे 7 होंगे, तो वो क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को और खुद को भी स्टेबल करेगा और जिसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है उसको भी स्टेबल करेगा। थर्ड जो पॉइंट है वो हमारे पास है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, लाइक हमारे पास अगर हाइड्रोजन है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली शेयरिंग से केमिकल बॉन्ड बना देंगे तो इसके हमारे पास क्या आ जाएगा, H2। ये होगा हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, होल्ड करती हैं इन एटम्स को इन अ सब्सटेंस। लाइक सोडियम एंड क्लोरीन है तो इनके दरमियान में हमारे पास अट्रैक्शन होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो कि होल्ड करती हैं दोनों को एक दूसरे के साथ, ठीक है। अलग अलग ये क्या है, ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम के ऊपर प्लस का साइन है, नेगेटिव क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव का साइन है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करते हैं, अट्रैक्शन शो करने के बाद क्या बना रहे हैं, Na+ Cl- और ये कंबाइन होकर हमारे पास क्या बना रहा है, NaCl, क्या है, सोडियम क्लोराइड। दिस अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फिगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल आइदर बाय शेयरिंग, बाय लूजिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, ठीक है। द ऑक्टेट रूल ओनली सिंबलाइज्ड दैट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शुड बी अटेन्ड बाय एटम्स व्हेन दे कंबाइन और रिएक्ट। एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम की। यहां पे अब हमारे पास जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो प्रेजेंट है बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, फोर्सेस ऑफ एटम्स, सॉरी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लाइक हमारे पास टू डिफरेंट काइंड्स के एटम्स हैं, इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रेजेंट हैं जो कि इन दोनों को होल्ड करती हैं एक दूसरे के साथ इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद अगर हम बॉन्ड देखते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन आयंस, इट इज़ ड्यू टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम, ठीक है। लाइक जिस तरह हमने सोडियम क्लोराइड का देखा है, जिस तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और ये बॉन्ड जो है ये है बिटवीन आइंस। अगर जो बॉन्ड है फॉर्मेशन वो हो बिटवीन सिमिलर एटम्स और बिटवीन द एटम्स दैट हैव कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कंपेरेबल होती है, देन जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो होती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मे बी म्यूचुअल और वन साइडेड। अब वो जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है वो भी हो सकती है, वन साइडेड शेयरिंग भी हो सकती है। बेसिकली पर्पस क्या होता है बॉन्ड फॉर्मेशन का, ठीक है। लाइक हमारे पास ये क्या है, मीथेन है, हमें पता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है कितनी है, टेट्रावैलेंसी है, 4 वैलेंसी है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये बॉन्ड बना रहा है म्यूचुअल शेयरिंग के साथ, बॉन्ड्स मेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम और ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि जो शेयरिंग होती है वो कहाँ पे होती है, शेयरिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो सेम होती है या ऑलमोस्ट सेम होती है, मतलब कुछ हद तक सिमिलैरिटी शो कर रही होती है, वहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग के साथ बॉन्ड बनता है। यहाँ पे ये जो हमारा है केमिकल
बॉन्ड वाला टॉपिक वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट हमने इसकी टाइप्स पढ़नी है अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, उसकी फोर्सेस पढ़ेंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से होती हैं, बिटवीन एटम्स कैसे होती हैं, बिटवीन ग्रुप ऑफ एटम्स कैसे होती हैं, बिटवीन आयंस कैसे होती हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो स्टूडेंट्स, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।